of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है. अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है. सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग. आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर नारेबाजी हो रही है. देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं. तीन लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं. दो जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है. लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए. एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है. समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है. मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं. एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है. परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था. माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है. हमने सब ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे. हम आज मिलने के लिए आए हैं. राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है. हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है. और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े. हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं. कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है. अब परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है. उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा. Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces. And it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head. With probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे. मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स-एमएलए थे और लोग थे. हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए. हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे. हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए. और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है,
और 144 है, हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चले, वो हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है? उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद। जी तो हमें हमने बहुत विचित्र लगा। जी जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की, अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है, बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए। जी जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन। फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट, a 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream, and all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़की हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं, एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं,
हिंदू परिवार से है और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। तो सर, हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा। Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces. And it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे। मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे और लोग थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे। हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए। और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है। हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चलेंगे, हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी, तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी, बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद। जी, तो हमें हमने बहुत विचित्र लगा। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम
कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ा घटना, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं जी, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए। जी जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हू इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज एलिजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट वील कीप अ क्लोज आई ऑन फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट। A 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream. And all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पर एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा। Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces, and it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered.
and accordingly the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police and all forensic formalities have been completed. We in fact have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे. मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स-एमएलए थे और लोग थे. हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए. हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे. हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए. और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक लिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया जाएगा, कि सरकार का आदेश है, 144 है और 144 है. हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चलेगा, हमको चलने दीजिए. लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली. फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं. जी तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं. जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की. जी बिल्कुल नहीं है. और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे. लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए. और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से. उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर. लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद. जी तो हमें सर, हमने बहुत विचित्र लगा. जी जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की. अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे. और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है. बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है. ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए. जी जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स. दिस इज अ स्टोरी दैट वील कीप अ क्लोज आई ऑन. फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट, a 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream. And all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है. अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे
एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, तीन लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, दो जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके आठ टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है, और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा। Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces, and it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे। मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे और लोग थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कुछ साथ चलने वाले क्यों करेंगे। हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए। और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है। हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चले, हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी, तो सर जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा?
उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की जी। बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद जी। तो हमें सर, हमने बहुत विचित्र लगा जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ा घटना, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं जी, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए जी। जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इनफैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज एलिजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन। For an absolutely shocking incident, a 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream. And all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पर एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखिए, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है। और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं
कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। सर देखिए हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। अब परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा। Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces, and it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे। मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे और लोग थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे। हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए। और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक लिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है। हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चले, हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी, तो सर जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी, बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद। जी, तो हमने बहुत विचित्र लगा। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए। जी,
जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स. दिस इज अ स्टोरी दैट वील कीप अ क्लोज आई ऑन. फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट, a 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream, and all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former chief minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है. अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है. सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग. आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर नारेबाजी हो रही है. देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं. तीन लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं. दो जो माइनर लड़की हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है. लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए. एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है. समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है. मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं. एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है. परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था. माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है. हमने सब ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे. हम आज मिलने के लिए आए. राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है. हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है, और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े. हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं. कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है. अब परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा. ब्रूटल मर्डर हैड हैपेंड एंड वी डिस्कवर्ड अ बॉडी ऑन द 9th ऑफ दिस मंथ ऑफ डिसीज्ड मनोहर, अ 21-year-old हिंदू बॉय, एंड हिज बॉडी वाज फाउंड इन सेवरल पीसेस, एंड इट हैज आल्सो बीन फाउंड दैट प्रोबेबली देयर वाज एन अफेयर विद अ गर्ल फ्रॉम अनदर कम्युनिटी, एंड देयर फैमिली हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस, एंड ही वाज कॉल्ड देयर एंड दे हिट हिम अपॉन हिज हेड. With probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died, but to dispose of the body they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas which were discovered, and accordingly the whole member, five members of the family including women, have been arrested by the police, and all forensic formalities have been completed. We in fact have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे. मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे,
और लोग थे, हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे, हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए। और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है। हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चलेंगे, हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी है और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद। जी तो हमें हमने बहुत विचित्र लगा। जी जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की, अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ा घटना, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है, और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए। जी जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हू इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट। A 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream, and all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखिए, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़की हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि
इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है। और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। तो सर, हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। अब परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा। Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces. And it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, 5 members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे। मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे और लोग थे। हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कोई साथ चलने वाले क्यों करेंगे। हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए। और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है। हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चलेगा, हमको चलने दीजिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी है और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी, तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी, बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से, उन सारी चीजों को
ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली बार बार आग्रह करने के बावजूद जी। तो हमें हमने बहुत विचित्र लगा जी। जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की, अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ा घटना, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं जी, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए जी। जयराम ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट। A 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream. And all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पर एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं, एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से हैं, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है। परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था, माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है। हमने सब ने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे। हम आज मिलने के लिए आए हैं। राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं, कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है। परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है, उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा।
brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces. And it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community, and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, five members of the family, including women, have been arrested by the police, and all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे, मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स-एमएलए थे और लोग थे. हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए. हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कुछ साथ चलने वाले क्यों करेंगे. हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए. और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक लिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है. हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चले, हमको चलने दीजिए. लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं मिली. फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए, और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं. जी, तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं. जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे, उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की. जी, बिल्कुल नहीं है. और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है. उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है, और जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे. लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए. और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं, और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से. उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर. लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद. जी, तो हमें बहुत विचित्र लगा. जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे, क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की. अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे. और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है. बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है, और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है. ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं. जी, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए. जी, जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज अलेजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स. दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन. फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट, a 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream, and all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire.
The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है. अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पर एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है. सुबह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग. आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पर नारेबाजी हो रही है. देखिए प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं. तीन लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं. दो जो माइनर लड़कियां हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है. लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए. एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है. समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है. मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं. एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं, हिंदू परिवार से है, और ऐसी घटना घटित होने के बाद पूरे इलाके में एक रोष का, आक्रोश का एक माहौल है. परिवार में एकमात्र वो कमाने वाला लड़का था. माँ बाप बुजुर्ग है, बहनों की शादी हो गई है. हमने सबने तय किया, हमारी पार्टी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने, कि हम परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए जाएंगे. हम आज मिलने के लिए आए हैं. राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग देने की जरूरत नहीं है. हमें कार्रवाई करनी है और हमने उसमें सख्त कार्रवाई की है. और प्रशासन को भी मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो और भी कुछ कार्रवाई करनी होगी उस दृष्टिकोण से भी वो आगे बढ़े. तो सर, हिमाचल प्रदेश में वैसे मेजोरिटी 97% हिंदू लोग रहते हैं. कोई कॉमन टेंशन की बात तो वहाँ होती कि कोई दूसरे समुदाय के संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको भी हिमाचल की हम रक्षा करना हमारा दायित्व भी बनता है. परिवार अलग अलग रहते हैं, कोई एक जगह रहता है, कोई दूसरी जगह रहता है. उनको उस दृष्टि से हमको ये देखना कि उनकी सुरक्षा को भी बहाल रखा जाएगा. Brutal murder had happened and we discovered a body on the 9th of this month of deceased Manohar, a 21-year-old Hindu boy, and his body was found in several pieces. And it has also been found that probably there was an affair with a girl from another community, and their family had objected to this, and he was called there and they hit him upon his head, with probably because of that, postmortem says that because of the head injury he died. But to dispose of the body, they dismembered it into several pieces and threw it in the forest areas, which were discovered. And accordingly, the whole member, 5 members of the family, including women, have been arrested by the police. And all forensic formalities have been completed. We, in fact, have Jairam Thakur now joining us on the broadcast. Good to have you with us here on CNN News 18. Earlier in the day, we had seen visuals also of your convoy also being stopped. Could you first help us understand what really happened on the ground? जी, हम आज जहां वो मनोहर की हत्या हुई थी, उनके परिवारजनों को मिलने जा रहे थे. मेरे साथ पार्टी के अध्यक्ष थे, विधायक थे, एक्स एमएलए थे और लोग थे. हमने प्रशासन से आग्रह किया कि हमें जाने दिया जाए. हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि कुछ नहीं हम करेंगे, ना कुछ हमारा कुछ साथ चलने वाले क्यों करेंगे. हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, हमें जाने दिया जाए. और उससे 60 किलोमीटर पहले हमको एक जगह रोक दिया गया कि आगे नहीं जाने दिया जाएगा. हमने कहा क्यों नहीं जाने दिया गया, कि सरकार का आदेश है, 144 है, और 144 है. हमने कहा तो भी हम ऐसा करेंगे, हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे और गाड़ी से किसी को उतरने भी नहीं देंगे जो हमारे साथ चले, हमको चलने दीजिए. लेकिन फिर भी उसके बावजूद
हमें अनुमति नहीं मिली। फिर हमने कहा कि एक बार पुनः विचार करने के बाद आपको ऊपर प्रदेश के सरकार में जो अधिकारी हैं और गवर्नमेंट से बात करिए और बात करके उनको कहिए कि हम यहाँ पर आए हैं और परिवार वालों से मिलना चाह रहे हैं। जी तो सर, जैसे आपने कहा, क्योंकि प्रशासन का यही कहना है कि सेक्शन 144 ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने उनसे ये भी कहा कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, तब जो अथॉरिटीज थी ग्राउंड पे उन्होंने आपको क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, इजाजत नहीं है आगे जाने की। जी बिल्कुल नहीं है। और यही हमने कहा कि ये निर्णय आपने किस स्तर पर लिया है? उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश है। जब सरकार का आदेश है तो हम काफी देर तक वहां पर धरने पर बैठे, लेकिन अंत तक तो हमने कहा कि आप नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद फिर हमने तय किया कि हम वहां से वापिस हुए। और हमें सचमुच में बहुत दुख हुआ कि एक परिवार को जिसको आज सांत्वना की आवश्यकता है, जिसको हौसला देने की आवश्यकता है, एकमात्र बेटा जिसकी मृत्यु हो गई, बहनों की शादी हो गई, घर में बूढ़े माँ बाप हैं और हम उनको मदद भी करना चाह रहे थे पार्टी की ओर से, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया था कि हम जाकर के मदद करेंगे वहां पर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमको अनुमति नहीं मिली, बार बार आग्रह करने के बावजूद। जी तो हमें हमने बहुत विचित्र लगा। जी जैसे आप बता रहे हैं कि आप उस परिवार को मिलना चाहते थे, अपनी सहानुभूति देना चाहते थे, आप और आपके साथ जो कुछ लोग थे वो धरने पे भी बैठे क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिली आगे जाने की। अब आगे आपका क्या प्लान है? देखिए, आगे तो हमने तय कर दिया कि हर जिला मुख्यालय में हम कल डिप्टी कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे, हमारे लोग रोष प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरह की हत्या ये हुई है, मनोहर की हत्या हुई, हत्या के बाद उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डाल करके नाले में फेंक दिया गया, तो इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती है। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है और ये निश्चित रूप से सरकार की संवेदनहीनता है। ना कोई मंत्री वहां पर गया, ना कोई मुख्यमंत्री तो गए ही नहीं, लेकिन कोई प्रतिनिधि भी अभी परिवार तक पहुंचा नहीं है मिलने के लिए। जी जयराम ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सो देयर यू हर्ड इट फ्रॉम द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, हु इन फैक्ट वाज प्रोटेस्टिंग अर्लियर इन द डे एज वेल, सिटिंग ऑन अ धरना, सेइंग दिस इज अ कंप्लीट फेलियर एज फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न एंड नोबडी फ्रॉम द कांग्रेस गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द बीजेपी इज एलिजिंग, हैज इवन कम फॉरवर्ड टू मीट द विक्टिम्स फैमिली और एनी अदर फैमिली मेंबर्स। दिस इज अ स्टोरी दैट विल कीप अ क्लोज आई ऑन फॉर एन एब्सोल्युटली शॉकिंग इंसिडेंट। A 21-year-old man was killed and then dumped in a water stream, and all of this happened in Himachal Pradesh's Chamba over an alleged love affair with a girl from another community. Section 144 now has been imposed after an angry mob set the accused's house on fire. The youth had gone missing on the 6th of June while returning home. Massive protests have now erupted across Chamba demanding justice for the victim and his family. The former Chief Minister Jairam Thakur's convoy was also stopped as he was trying to enter Chamba. Thakur later sat in a dharna and demanded an NIA probe into the murder case. देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई थी उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। अभी यहाँ चंबा मुख्यालय पर यहाँ पे एक संघर्ष आक्रोश रैली जो है यहाँ निकाली गई है। सुबह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डटे हुए हैं लोग, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। देखिए, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को समझाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि पुलिस ने जो है गिरफ्तारियां कर ली हैं, 3 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया, एक ही परिवार के लोग हैं, 2 जो माइनर लड़की हैं उन्हें भी डिटेन किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से पिछले कल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का जो बयान आया था, उन्होंने इस मामले में एनआईए की मांग की थी, तो ये भीड़ भी अभी यहाँ मुख्यालय के बाहर, उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये मांग कर रही है कि इस मामले में एनआईए की जांच की जाए। एक ऐसी घटना घटित हुई है जिसने पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को विचलित कर दिया है। समाज का हर व्यक्ति चिंतित है, व्यथित है। मनोहर की हत्या होती है, उसके 8 टुकड़े शरीर के कर दिए जाते हैं। एक नौजवान जो अनुसूचित जाति से संबंध रख,